नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शेखपुरा जिले में मृत चिकित्सक को सिविल सर्जन बनाने के मुद्दे पर विपक्ष ने विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा किया। केंद्र सरकार ने कहा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किस्त में जोड़कर दी जाएंगी। देश में अब तक 2,30,00,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ। प्रदेश में 10,15,000 से अधिक कोविड टीके दिए गए। और मौसम विभाग ने 12 मार्च के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज शेखपुरा जिले के सिविल सर्जन के स्थान पर एक मृत अधिकारी को पदस्थापित करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। विधानसभा में राजद के मुकेश रोशन ने इस मामले को उठाया, जबकि इसी पार्टी के सुबोध कुमार ने विधान परिषद में इस मुद्दे को सामने रखा। विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने माना कि मृत चिकित्सक को सिविल सर्जन बनाना एक गंभीर मामला है और इसमें संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस गलती के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर स्वास्थ्य विभाग ने गलती में सुधार करते हुए जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को शेखपुरा का सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दिया है। शेखपुरा के निवर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुंवर सिंह को पूर्णिया भेजते हुए वहां उन्हें क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने तबादले के क्रम में राम नारायण राम को सिविल सर्जन बनाने का आदेश जारी किया था, जबकि फरवरी महीने में ही उनकी मृत्यु कोविड संक्रमण से हो गई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किस्त में जोड़कर दी जाएंगी। राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डीए भुगतान का फैसला इसी वर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किस्तों का भुगतान रोकने से 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिससे कोविड से निपटने में मदद मिली है। भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है। कल एक दिन में 20,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 2,30,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 43,74,000 से अधिक लोगों को तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के 7,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 2 फरवरी से टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इधर बिहार में भी कल रिकॉर्ड 1,73,133 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इसमें 1,00,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 10,15,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7,98,000 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी गई है। वहीं 2,17,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कोविड टीकाकरण को सफल बनाने के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना योगदान देगा। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण केंद्रों पर तैनात होकर टीका लगाने की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनाएंगे। एम्स के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि कोविड का टीका आ जाने के बावजूद लोगों को मास्क लगाने और अन्य सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है।
ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनको टीके की पहली ही डोज पड़ी है वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, मास्क पहनना बंद कर देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों से भी ये अपील है कि अभी बिल्कुल एहतियात बरतें, टीका के दोनों डोज पड़ जाए और अधिक से अधिक जनसंख्या को पड़ जाए तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं, अभी बिल्कुल नहीं। तो टीका जिनको पड़ भी चुका है वो मास्क का समुचित प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ जरूर धोते रहें और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड के नए मामलों में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 84% से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 8744 मामले सामने आए हैं। इसके बाद केरल में 1412 जबकि पंजाब में 1229 नए मामलों की पुष्टि हुई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड में गड़बड़ी के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पर वित्तीय गबन और रिश्तेदारों की अवैध बहाली का आरोप लगा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत पखवाड़ा की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 28 लाख से अधिक परिवारों और लगभग 60 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विधानसभा में आज राज्य के 3 विश्वविद्यालयों वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मगध विश्वविद्यालय बोधगया तथा मिथिला यूनिवर्सिटी की जमीन दूसरे संस्थानों को देने का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल के दौरान सीपीआई माले के संदीप सौरभ ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की जमीन कहीं मेडिकल कॉलेज तो कहीं आईआईएम को दे दी गई है, जबकि मिथिला विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र बंद कर दिया गया है। इससे विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम हुआ है। माले विधायक ने कहा कि इससे विश्वविद्यालय की नेक ग्रेडिंग भी प्रभावित हुई है। सीपीआई माले के ही अजीत कुमार सिंह ने कहा कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र जमीन को दूसरे संस्थान को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इससे विश्वविद्यालय की यूजीसी से मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो भी हायर स्टडीज उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही किया है, कोई मेडिकल कॉलेज भी राज्य में उतना ही आवश्यकता है। और दूसरी बात सुनिए, और कि जितनी जमीन जिस भी विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की निकालकर दूसरे संस्थानों को दिया गया है उतने से उस विद्यालय या उस विश्वविद्यालय की नैक के द्वारा मान्यता पाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राज्य में 16 में से 4 विश्वविद्यालयों को यूजीसी की संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक की मान्यता मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधानसभा में कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 270 अंगीभूत कॉलेज में से 90 को ये मान्यता मिल चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव के एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालयों को ये मान्यता दिलाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। 30 से 31% विश्वविद्यालय भी हमारे नैक से मान्यता प्राप्त है। इसी तरीके से जितने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, अंगीभूत राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें से भी लगभग 33% महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त है। यह 33 या 30% से हम संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल ही ये असंतोषजनक है। ये अलग अलग महाविद्यालयों के द्वारा ही इस संबंध में पहल की आवश्यकता होती है। हमने निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों को भी और महाविद्यालयों को भी कि वो आवश्यक सुविधाएं का प्रबंध नैक प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, सरकार भी आवश्यक सहयोग देती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन संस्थानों को नैक मूल्यांकन में 2.5 अंक प्राप्त होते हैं उन्हें यूजीसी की ओर से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत वित्तीय सहायता मिलती है। राज्य के शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े क्षेत्रीय पदाधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए अब अवकाश लेना होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के प्रशासनिक निदेशक सुशील कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को आधिकारिक पत्र लिखकर कहा है कि बिना अवकाश या अनुमति के विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलना अनुशासनहीनता माना जाएगा और ऐसे शिक्षकों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में औसतन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बादल छाए रहे। उन्होंने कहा कि प्रति चक्रवात के कारण 12 मार्च के बाद राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र 0.9 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक स्थित है, जो बिहार में नमीयुक्त हवा के वाहक का कार्य कर रहा है, जिससे बिहार में दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी हवाओं का प्रवाह जारी है, जिसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा एवं दिन एवं रात के तापमान यथावत बने रहेंगे, परंतु चौथे दिन यानी 12 मार्च के बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी पुलिस और उत्पाद विभाग ने मिलकर शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि शराबबंदी चुनौती जरूर है, लेकिन सरकार इसे लेकर संकल्पबद्ध है। श्री कुमार ने कहा कि जिस गोदाम में हाल में शराब की बड़ी खेप मिली थी, वहां पुलिस थाना खोलने की योजना है। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय में पदस्थापित एक कर्मी महेश कुमार झा को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने 3,300 रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर बनकटवा पुल के पास एक तेज रफ्तार कार के एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गयी। शिवहर के गांधीनगर भवन में मेगा ऋण शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं के तहत 22 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण बांटा गया। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी सज्जन राजशेखर ने किया। अरवल जिले में 20 मार्च तक चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों का कक्षा 1 से 9 तक में नामांकन के लिए जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गयी। जिला पदाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने समाहरणालय परिसर से एक प्रचार रथ भी रवाना किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शेखपुरा जिले में मृत चिकित्सक को सिविल सर्जन बनाने के मुद्दे पर विपक्ष ने विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा किया। केंद्र सरकार ने कहा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किस्त में जोड़कर दी जाएंगी। देश में अब तक 2,30,00,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ। प्रदेश में 10,15,000 से अधिक कोविड टीके दिए गए। और मौसम विभाग ने 12 मार्च के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।